हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। तो आज हम इस वीडियो में एमएस एक्सेल के बारे में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप में से जो भी लोग कंप्यूटर का यूज करते होंगे या कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उनमें से शायद ही कोई लोग होगा जिन्हें एमएस एक्सेल के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि यह कंप्यूटर में यूज किया जाने वाला एक ऐसा एप्लीकेशन या प्रोग्राम होता है जिसका यूज डेटा मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल क्या है, इसके यूज क्या क्या होते हैं, साथ में एमएस एक्सेल के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जिनका यूज किया जाता है, और साथ ही इसके फीचर्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएस एक्सेल क्या होती है। एमएस एक्सेल, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जिसे केवल एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है, यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के थ्रू डेवलप किया गया एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को टैबुलेशन फॉर्मेट में रखने की फैसिलिटी हमें जो है सुविधा हमें प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं, और इसे हम एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, इसे हम एक्सेल भी कहते हैं। तो ये जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम का क्या मतलब है? स्प्रेडशीट जो है एक फाइल होता है जिसमें कि सेल में जो है हम डेटा को एंटर करते हैं। सेल क्या होते हैं, सेल किसे कहते हैं? तो सेल जो है रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनते हैं, यानी कि जहाँ पे रो एंड कॉलम एक दूसरे को आपस में काटते हैं, जहाँ पे मिलते हैं रो एंड कॉलम, उसे हम सेल कहते हैं। तो वो जो एक बॉक्स बनता है काटने के बाद, उस रेक्टेंगल एरिया को हम सेल कहते हैं जिसमें कि डेटा को एंटर किया जाता है। और ये जो है हमें हेल्प करती है कि डेटा को किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से कैलकुलेशन करने में, या फिर डेटा को सॉर्ट करने में हेल्प करती है। तो स्प्रेडशीट एक तरह का जिसमें कि डेटा को जो है एंटर करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो है एक्सेल जो है हमें डेटा को टैबुलेशन फॉर्मेट में रखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब कि इसमें जो है डेटा को किस तरह से ओपन करना हो, या फिर डेटा को क्रिएट करना हो, एडिट हो, फॉर्मेट हो, या फिर कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें करने की हमें एमएस एक्सेल जो है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। जिस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा होगा, पुराने समय में डेटा को एंटर करने के लिए एक रजिस्टर हम लेते थे, और उस रजिस्टर में हम रो एंड कॉलम बनाकर उसमें हम डेटा को पेन या पेंसिल की हेल्प से लिखते थे। तो ठीक उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट यानी कि एक्सेल में भी डेटा को अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए रो और कॉलम बने होते हैं एक्सेल में, जिसमें डेटा को जो है हम व्यवस्थित करते हैं, डेटा को इसमें व्यवस्थित किया जाता है। इसके अलावा एमएस एक्सेल डेटा को व्यवस्थित करने के अलावा क्या काम होता है इसका? इसमें कैलकुलेशन किया जा सकता है, निर्णय लेना हो, डिसीजन लेने का काम होता है, डेटा का ग्राफ तैयार करने के लिए रिपोर्ट तैयार करना हो, या फिर वेबसाइट पर डेटा के साथ काम करने की भी हमें एमएस एक्सेल जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा इस एमएस एक्सेल में अंकीय डेटा का कैलकुलेशन करना हो, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, ऐड करना हो कोई नंबर, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, परसेंटेज हो, मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, ये सारे फंक्शन जो है आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूज किया जाता है एक्सेल में, यानी कि इसमें जो है बड़ी से बड़ी डेटा का मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या फिर लॉजिकल कैलकुलेशन करनी है, इसमें बहुत सारे फार्मूला दिए होते हैं, बहुत सारे फंक्शन दिए गए होते हैं, जिनका यूज करके हम जो है बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को भी चुटकियों में, यानी कि कुछ सेकंडों में जो है हम सॉल्व करके जो है हम रिजल्ट जो है पा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एमएस एक्सेल जो है काफ़ी यूजफुल होती है। इसके यूज के बारे में बात करें तो जैसे कि डेटा को एक तो गए कि टैबुलेशन फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में रखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, सेकेंड की मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए, या फिर डेटा फिल्टरिंग करना हो, डेटा सॉर्टिंग करना हो, मेलिंग लिस्ट बनाना हो, ये सारी चीज़ों के लिए जो है एमएस एक्सेल का यूज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इसका फाइल एक्सटेंशन जो है .xlsx होता है। अब ये फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं, तो इस पर हमने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक
कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वर्कशीट के बारे में। अगर आप एक्सेल का यूज करते हैं तो वर्कशीट के बारे में आप जरूर जानते होंगे। तो फ्रेंड जैसे एक्सेल में कोई भी डेटा जो है रो तथा कॉलम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, और इन्हीं रो और कॉलम के व्यवस्थित रूप को एक वर्कशीट कहा जाता है। फ्रेंड जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज जो आपको दिखाई देता है वो जो है वर्कशीट कहलाता है। और इस वर्कशीट में आप क्या करते हैं, बहुत सारे इसमें जो है सेल्स होते हैं तो इनमें आप डेटा को स्टोर करते हैं या फिर कोई कैलकुलेशन करना हो तो वो काम आप करते हैं। तो इस वर्कशीट में जो है बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो कितने रोज और कॉलम्स होते हैं, तो करीब हम रो की अगर हम बात करें तो इसमें करीब जो है 10,48,576 रो होते हैं और कॉलम जो है 16,384 यानी कि 384 जो है 16,384 जो है इसमें कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए वर्कशीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल की। सेल तो आप जानते होंगे रो और कॉलम के कटान से बनने वाले खाने को सेल कहा जाता है, यानी कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बॉक्स बनती है, एक रेक्टेंगल एरिया जो बनती है जिसमें कि आप डेटा एंटर करते हैं उसे हम कहते हैं सेल। तो इस सेल में हम कोई भी डेटा को फिल करने का काम करते हैं। और एक वर्कशीट में सेल की संख्या कितनी होती है तो आप यहाँ पे गिन सकते हैं, करीब यहाँ पे है 17,17,98,69,184 जो है करीब इसमें जो है सेल की संख्या होती है। अब हम बात करते हैं वर्कबुक। वर्कबुक क्या होते हैं, एमएस एक्सेल की पूरी फाइल को एक वर्कबुक कहा जाता है। तो एक वर्कबुक में अधिकतम 255 वर्कशीट को बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स एक्सेल की एक पूरी फाइल जो है उसे हम वर्कबुक कहते हैं। जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं तो उसमें आप नीचे देखे होंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है 3 सीट आते हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3 आते हैं। उसमें चाहे तो आप और भी ज़्यादा सीट जो है आप बना सकते हैं। जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें मैक्सिमम जो है 255 जो है 255 वर्कशीट जो है बनाया जा सकता है उसमें। तो इसे हम वर्कबुक क्या होता है, एक कलेक्शंस ऑफ वर्कशीट होते हैं, बहुत सारे वर्कबुक इसमें जो है बहुत सारे वर्कशीट होते हैं एक वर्कबुक में। तो वर्कबुक जो है एक एक्सेल की पूरी फाइल को जो है वर्कबुक कहा जाता है। फ्रेंड्स अब हम अगर एमएस एक्सेल विंडो के एलिमेंट की बात करें तो शायद जो लोग पहले से एमएस वर्ड के बारे में जानते होंगे उन्हें एमएस एक्सेल के कई सारे ऐसे एलिमेंट के बारे में पता होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी प्रोग्रामों का जो बेसिक इंटरफेस है एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एमएस एक्सेल के कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को लिया है शॉर्ट में। तो चलिए हम एक एक करके हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे एलिमेंट है क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार कहाँ पे होते हैं सीट में, यह जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर होता है, जो कि अंडो, रेडो, सेव या बहुत सारे कमांड देने के लिए क्विक एक्सेस बटन जो है का यूज किया जाता है। जैसे आप फर्स्ट पेज जैसे आप ओपन करते हैं एक्सेल तो वहाँ पे फर्स्ट पेज आ जाता है आपके सामने, आपको दिखाई देता है फर्स्ट पेज। तो आप वहाँ पर देखे होंगे कि बाय साइड जो है ऊपर कॉर्नर पे जो है आपको दिखेगा अंडो का ऑप्शन, रीडू या सेव या बहुत सारे वहाँ पे कमांड होते हैं, तो इनका यूज जो है किया जाता है क्विक एक्सेस बटन के लिए। तो ये जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है। सेकेंड हमारा आ जाता है टाइटल बार। यह प्रोग्राम विंडो के सबसे ऊपर होता है जिसमें डॉक्यूमेंट का नाम शो होता है। तो फर्स्ट पेज ओपन हुआ, आपने डॉक्यूमेंट को फाइल को जिस नेम से भी सेव किया हो तो वो नेम जो है आपको ऊपर फ्रंट में जो आपको दिखेगा सबसे ऊपर विंडो के जस्ट ऊपर होता है, तो ये नेम जो है हम इसे हम टाइटल बार कहते हैं। थर्ड है हमारा रिबन टैब। यह टाइटल बार के ठीक नीचे होता है जिसे टैब बार भी कहा जाता है। इसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू ये सारी चीज़ें इसमें जो होती है, जो कि संबंधित कमांड जो है रिबन में डिस्प्ले होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्सेल का सीट है, तो यहाँ पे आप क्विक एक्सेस टूल बार जो है
टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं, जहाँ की अंडू रेडो एंड सेव बहुत सारे यहाँ पे कमांड दिए गए होते हैं। टाइटल बार आपको वहाँ पे ठीक पेज के जस्ट ऊपर में आपको दिख जाएगा, ऊपर टाइटल बार जो कि डॉक्यूमेंट के नेम को शो करता है। और रिबन टैब यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ की होम है, इंसर्ट आता है आपका पेज लेआउट, डेटा, प्रीव्यू या फिर फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें जो है रिबन टैब कहलाती है। फोर्थ हमारा है फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या होते हैं कि फार्मूला बार जो है यह रिबन के ठीक नीचे होता है, जिसमें एक्टिव सेल का फार्मूला जो है डिस्प्ले होता है। जैसे आप कोई भी फार्मूला यूज करते हैं, कोई फंक्शन से यूज करते हैं, तो उस फार्मूला का फार्मूला जो है वो ठीक उस जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है या जिस सेल में आप काम कर रहे हैं, तो उस सेल का जो फार्मूला है वहाँ पर फार्मूला बार में डिस्प्ले हो जाता है। फिफ्थ है हमारा रो। यह वर्कशीट पर बने टेबल के हॉरिजेंटल लाइन होता है, जिसे हम रो कहते हैं। रो आप समझ चुके होंगे, जो हॉरिजेंटल लाइन होता है वर्कशीट पे बना हुआ, उसे हम कहते हैं रो। तो यहाँ आप वर्कशीट में देख सकते हैं फार्मूला बार इसमें यहाँ पे होता है, जिसमें कि आप कोई भी एक्टिव सेल में काम करते हैं, फार्मूला का यूज करते हैं, तो यहाँ पर इस फार्मूला बार में फार्मूला जो है शो होता है। और रो आप कह सकते हैं ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इस सीट में आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल लाइन, तो ये हमारा रो हो जाता है। सिक्स्थ है हमारा कॉलम। तो ये वर्कशीट पर बने टेबल के वर्टिकल लाइन होता है, जिसे हम कॉलम कहते हैं। सेवन्थ है सेल। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के कटान से बनने वाले खाने को सेल कहा जाता है, और इसी सेल में कोई डेटा को हम फिल करते हैं, फिल किया जाता है इसमें डेटा को। एट की बात करें तो वो स्क्रॉल बार है। तो ये इसका काम क्या होता है, यह हॉरिजेंटली तथा वर्टिकली दोनों साइड एक स्लाइडर की तरह होता है, जो डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट करने की हमें जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नाइन्थ स्टेटस बार। यह पूरी विंडो के सबसे नीचे होता है, जिसमें कि सिलेक्टेड ऑप्शन का स्टेटस शो होता है। तो आप यहाँ पे सीट में देख सकते हैं ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कहते हैं कॉलम। और रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बॉक्स बनता है रेक्टेंगल एरिया को हम, इस रेक्टेंगल एरिया को हम कहते हैं सेल। स्क्रॉल बार यहाँ पे हम बात करें तो ये जो राइट साइड आप देख रहे हैं वर्टिकली एंड नीचे में आप हॉरिजेंटली देख सकते हैं स्क्रॉल बार है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट करने की फैसिलिटी जो है आपको प्रोवाइड कराता है। एंड स्टेटस बार जो कि सबसे विंडो के सबसे नीचे होता है, जो कि आपको जो है ये बताता है कि सिलेक्टेड ऑप्शन का जो है इसमें स्टेटस जो है शो होता है। लास्ट है हमारा वर्कशीट टैब। तो ये जो है पूरी वर्कबुक में वर्कशीट की संख्या को टैब के रूप में दिखाता है, जिसे हम वर्कशीट टैब कहते हैं। तो किसी भी वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होते हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। यानी कि किसी भी एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होते हैं, तो वर्कशीट की संख्या जो है ज़रूरत के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। इस सीट में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप नीचे में देखिए वर्कशीट टैब इसे कहते हैं, जहाँ पर सीट 1 है, सीट 2 और सीट 3 है। तो सीट 1 ये जो है फर्स्ट वर्कशीट टैब 1 हो गई। तो यहाँ पे जो है वर्कशीट टैब जो है आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट साइड यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे वर्कशीट की संख्या जो है बढ़ती चली जाती है। अगर हम एमएस एक्सेल के एडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो इसका फर्स्ट एडवांटेजेज ये है कि इंस्टेंट कैलकुलेशंस होता है, यानी कि इसमें दिए गए मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फार्मूलाज की हेल्प से किसी डेटा को तुरंत ही कैलकुलेशन किया जा सकता है। सेकेंड है ईजी टू एडिट। यह डेटा को बड़ी ही आसानी से एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी डेटा को हम जोड़ सकते हैं, यानी कि कोई भी डेटा को हम एडिट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है टेक्सुअल डेटा के साथ साथ उसका ग्राफिकल रूप, जैसे कि हम एक्सेल में चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बनाना हो या फिर टेबल बनाना हो, ये सारी चीज़ें हम इस ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा के थ्रू जो है कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास मल्टीपल स्प्रेडशीट इन वन फाइल।
इसमें एक ही फाइल में कई सारे स्प्रेडशीट के साथ काम करने की हमें जो है सुविधा मिलती है। फ्रेंड्स, स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट भी कहते हैं, यानी कि वर्कशीट जो है एक स्प्रेडशीट ही होता है। तो सभी स्प्रेडशीट में डेटा भी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एक्सेल में आप देखेंगे बहुत सारे वर्कशीट होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 बहुत सारे होते हैं, तो इसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। और हर शीट में अलग अलग तरह के डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। लास्ट है हमारा बिल्ट इन फार्मूलाज। एमएस एक्सेल में कई सारे फार्मूला जो है पहले से दिए गए होते हैं, जिसकी हेल्प से मिनटों में बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं और हमें तुरंत ही रिजल्ट भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के हेल्प से हमने आपको एमएस एक्सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी। आपको यह जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।